गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नमक का दारोगा का आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि वंशीधर को नमक विभाग में दारोगा के पद पर नियुक्ति होती है और उनकी नौकरी मिलने की खबर जब उनके घर में आती है, उनके परिवार में आती है, तो सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। जहाँ परिवार के लोग अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, वहीं जो उनके पड़ोसी होते हैं वो ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। जाड़े के दिन थे, रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे कि अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उधर थे, लेखक ने बताया है कि वंशीधर को जहाँ पर नौकरी मिली थी, जहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई थी, वहाँ अभी उनके 6 महीने से अधिक नहीं व्यतीत हुए थे। जाड़े का समय था, रात का समय था, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। इतने अधिक कम समय में भी वंशीधर ने अपनी कार्य कुशलता से, अपने व्यवहार से, अपने सद आचरण से यहाँ के उच्च अधिकारियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, उनके मोह को मोह लिया था। सब उनकी तरफ आकर्षित हो गए थे, वंशीधर के कार्यों से प्रभावित होकर उन पर विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व जमुना नदी बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना था। दारोगा जी किवाड़ बंद करके गहरी निद्रा में सो रहे थे कि अचानक आँख खुली और नदी के प्रवाह का जो धुन था, नदी के प्रवाह की धुन की जगह उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट, बल्लाहों के चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अचानक उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी, डांट कर पूछा किसकी गाड़ियां हैं। लेखक ने बताया कि वंशीधर जब गहरी निद्रा में सो रहे थे, अचानक से उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्हें वहम हुआ, आश्चर्य हुआ कि इस समय इतनी रात को गाड़ियां कहां जा सकती हैं। कुछ अवश्य ही भ्रम है, कुछ दाल में काला है। और वह उस भ्रम को पुष्ट करने के लिए दरोगा की वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा, घोड़े पर सवार होकर पुल के पास आ पहुँचे। गाड़ियों की लंबी कतार पुल के पार जाती दिखाई दी, डांट करके पूछा किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ काना फूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? तातागंज के मुंशी वंशीधर चौके, पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे, इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनकी ऋणी ना हो। अब लेखक ने बताया कि जब वंशीधर यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं, वहां गाड़ियों के ताता को देखते हैं, उसकी कतार को देखते हैं, तो उन आदमियों से पूछते हैं, उन नौकरों से डांट कर पूछते हैं किसकी गाड़ियां हैं। सब में सन्नाटा छा जाता है, चुप्पी साध लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तब कोई आदमी इसमें जवाब देता है कि दातागंज के अलोपी दिन की गाड़ियां हैं। अलोपी दिन के नाम को सुनकर वंशीधर चौक पड़ते हैं, क्योंकि अलोपी दिन क्षेत्र के सबसे सम्मानित प्रतिष्ठित जमींदार थे। उनका कारोबार अच्छा था और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके कर्ज में ना डूबा हो, उनका ऋणी ना हो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था, बड़े चलते फुलते आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते, बारहों मास सदा व्रत चलता था।
मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं, इनमें क्या लदा है? अब लेखक ने बताया है कि आलोपी दिन का परिचय दिया है कि आलोपी दिन का व्यापार लंबा चौड़ा था। वह जाने माने आदमी थे। वह अंग्रेजों का समय था और अंग्रेज उनके यहाँ शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। आलोपी दिन बारहों महीने अन्न बांटने का नियम चलाते थे, सदाव्रत्य नियम का पालन करते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? नौकरों ने उत्तर दिया, कानपुर। किंतु जब उन्होंने पूछा कि गाड़ियों में क्या भरा हुआ है, तो सब चुप्पी साध गए, सन्नाटा छा गए और उनके चुप रहने से दरोगा साहब का संदेह बढ़ गया। उत्तर के वार को देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम गूंगे हो गए हो? जब मैंने पूछा कि इसमें क्या लदा है, तुम उत्तर क्यों नहीं देते हो, बताते क्यों नहीं हो? जब इस बार भी कोई उत्तर ना मिला, तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। लेखक ने बताया, जब बंसीधर ने नौकरों से पूछा इन गाड़ियों में क्या लदा है और उन्होंने कोई सही उत्तर नहीं दिया, तो बंसीधर अपने भ्रम को दूर करने के लिए, अपने संशय को दूर करने के लिए स्वयं ही गाड़ी के पास गए और गाड़ी में लदे बोरे को टटोला, तो उनका सारा संदेह, सारा भ्रम दूर हो गया। क्योंकि उन्हें यह आभास हो गया या उन्हें यह तसल्ली हो गई कि इन बोरों में नमक भरे हैं। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। अब लेखक ने बताया कि आलोपी दिन जो नमक का कारोबारी था, नमक का व्यापारी था, वह सजीले रथ पर सवार अदनिधि चला आ रहा था। कुछ गाड़ीवान घबराए हुए उनके पास गए और बोले, महाराज, दरोगा साहब ने गाड़ियाँ रोक दी हैं, वे आपको बुला रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना कि क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ फोड़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। लेखक ने बताया कि आलोपी दिन लक्ष्मी जी पर, धन संपत्ति पर असीम विश्वास करता था। वह कहता था कि यह संसार भी अजीब है, स्वर्ग में तो सुना जाता था कि वहाँ लक्ष्मी का राज्य है, किंतु इस संसार में भी लक्ष्मी का ही राज्य है, धन का ही राज्य है। और उनका कहना यह उचित ही था, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के बल पर, संपत्ति के बल पर, धन के बल पर चलते हैं। वह जैसे ही जाती है वैसे नचाती रहती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। और यह कहकर बड़ी निश्चिंता से पान का बीड़ा लगाया, खाया, लिहाफ फोड़ कर दरोगा के पास आए और बोले कि बताइए, हमसे कौन सा अपराध हुआ, कौन सी गलती हुई है, कौन सा दुस्साहस हुआ है जो आपने गाड़ियाँ रोक दी? हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। बंसीधर आलोपी दिन की बातों से प्रभावित नहीं हुआ और बोला, यह सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपी दिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही हैं, हमारा आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट को के देवता को भेंट न चढ़ाएं, मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। लेखक ने बताया है कि पंडित आलोपी दिन बंसीधर की बातों को सुनकर हंसा और कहा, हम किसी सरकारी आदेश को, किसी सरकारी हुक्म को नहीं मानते।
हमारे सरकार आप हैं और अवश्य भी हमारा आपका घर का मामला है। हम आप एक दूसरे से अलग नहीं हैं। आपने बेवर कष्ट उठाया, हम इधर से आए और यहाँ के अधिकारी को, यहाँ के दरोगा को भेंट ना दें, उपहार ना दें, यह नहीं हो सकता। मैं आपकी सेवा में स्वयं आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंश का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बल्लू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। अलोपी दिन तरह तरह के प्रलोभन देने लगा, किंतु वंशीधर को उस ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वह एक अभी नवयुवक था। उसके अंदर ईमानदारी का जोश था, वह अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित था, कर्तव्य परायण था, और इसलिए कड़क कर बोला कि मैं उन नमक हरामों में नहीं हूँ जो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, देश के साथ धोखा करते हैं, जो कौड़ियों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, अपनी मानवता बेच देते हैं। इस समय आप मेरी हिरासत में हैं, मेरे गिरफ्त में हैं, इसलिए आपको नियम के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बात नहीं करनी है और जमादार से कहता है, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं आदेश देता हूँ। पंडित अलोपी दिन स्तंभित हो गए। गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बल्लू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोग के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। लेखक ने बताया कि जब पंडित अलोपी दिन अपने सारे प्रयासों में असफल हो गए और जब जमादार उनकी तरफ हथकड़ी लेकर बढ़ने लगा तो अस्तंभित थे। गाड़ीवानों में हलचल मच गई, क्योंकि पंडित जी के जीवन में यह असर पहली बार था कि कोई दारोगा उनके मार्ग को रोक सके, उन्हें हथकड़ी पहना सके, उनका चालान कर सके। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोग के मारे उसे साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुआ कि पंडित जी का हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। लेखक ने बताया कि पंडित जी ने देखा कि हर समय पंडित जी ने धन के बल पर धर्म को खरीद लिया था, धन से धन पर विजय प्राप्त की थी, किंतु आज उन्होंने देखा कि धर्म ने धन को तिरस्कृत कर दिया है, निरादर कर दिया है, अपमानित कर दिया है। धर्म के आगे धन का कोई मोल नहीं है। उन्होंने विचार किया कि अभी यह नौजवान है, उदंड है, अभी इसको सांसारिक मोह माया का पता नहीं है, अल्लड़ है, इसीलिए दीन भाव से बोले कि ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत सम्मान धूल में मिल जाएगा और हमारा अपमान करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, हम आप एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। वंशीधर अलोपी दिन की बातों को सुन करके उन्हें धिक्कारा और कहा कि हमें इस प्रकार की प्रलोभन वाली बातें पसंद नहीं हैं और आपके प्रलोभन से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमें आपके कार्यों में, आपके व्यवहार में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम आपकी इस प्रकार की ओछी बातें नहीं सुनना चाहते।